जय हिंद। सभी आरजेसियंस को, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम रविवार 6 अगस्त 2023 का हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी गाड़ी से आएँ। तो आप देख सकते हैं कि जो राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम है वो रॉज एवेन्यू, जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, वहाँ पर आपको बहुत ही रविवार के दिन पीसफुली आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम तो चाहेंगे कि मेट्रो से अपने सगे संबंधियों साथियों के साथ आप आइए, मेट्रो से आएंगे तो ITO मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2, यही इंडिकेट करना चाहते हैं। इसका आप ध्यान ज़रूर रखें, बल्कि कंफर्म हो जाएं कि ITO का ये मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है, तो वहाँ से एग्ज़िट करें। क्यों सुखमान मलिक जी? हाँ, दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू यू। इफ मोस्टली दे विल बी कमिंग आई थिंक बाय मेट्रो, एंड दिस इज दैट गेट नंबर 2 इज फ्रॉम वेयर यू हैव टू एग्जिट फॉर गोइंग ऑन टूअर्ड्स राजेंद्र भवन, वेयर दिस ऑन 6th August अ वेरी मोमेंटस मोमेंट एज यू नो is going to take place, and it is a milestone in the life of RJS Positive Media. In fact, we are opening a new chapter, namely the launch of RJS PBH, Positive Media House. So therefore, don't get confused, because to reach there on time would be very crucial, and because you have booked our momentous book which documents the life of RJS for the last 8 years, so you have to come on time. All the more important it is, because it will be the first event that as it begins, those who have booked Amritkal ka Sakaratmak Bharat, they will be called on to the stage, and this book will be given to them, and it will be a great moment for you also. So don't miss, don't delay it. Book will anyway reach your hands, but you will love to have it on the stage. You will love to have it presented to you on the stage itself. And thank you very much. बिल्कुल सही कहा अशोक कुमार मलिक जी ने कि स्टेज पर आपको किताब प्रदान की जाएगी, लेकिन 10:30 से 11 बजे का वो प्रोग्राम है। ये आधे घंटे का समय आरजेसियंस को एक अच्छे फोटोग्राफ्स किताब के साथ, वो किताब आपकी ही है, उसमें आपके चित्र भी मिलेंगे, और वो किताब आपको 10:30 से 11 बजे के बीच में प्रदान कर दी जाएगी। तो 10:30 बजे आएँ और समोसा चाय का आनंद लेते हुए जलपान करें। 10:30 बजे आप आएंगे तो कोई चिंता नहीं है, लंच तो 2 बजे की व्यवस्था है। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो कृपया रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि इस बार RJS का जो है कार्यक्रम अलग ढंग से हो रहा है, जो डिसिप्लिन्ड और अनुशासित रहेगा। तो आप गेट पर जो है लिस्ट रहेगी, तो आपके अपने जो भी आना चाहते हैं तो उनका भी लिस्ट में नाम डालना बहुत ज़रूरी है। तो गेट पर जो लिस्ट है वो रहेगी, और किताब आपको 10:30 बजे वितरित की जाएगी। कार्यक्रम का पोस्ट, जो किताब का पोस्टर जारी किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 अगस्त को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार हुआ कि सकारात्मक पत्रकारिता से कैसे भारत निर्माण किया जा सकता है, उसकी और कड़ी जो है 6 अगस्त को जो फ्रेंडशिप डे है भारत में मनाया जाता है, विश्व में 30 जुलाई को, भारत में 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो इंडिपेंडेंस डे जो है RJSian मित्रता के साथ मनाएं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मैं बता दूं कि प्रफुल्ल सेठ जी, रंजन बेन जी गुजरात से आ चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड भी किया, और हैदराबाद से प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी आ चुके हैं, मुन्नी कुमारी, डॉक्टर मुन्नी कुमारी और दिलीप वर्मा जी और अनुराधा जी, वो भी आ चुके हैं। 6 अगस्त को आप सभी उसमें मिल सकते हैं। प्रेम प्रभा झा जी जो हैं वो इंदौर से आ रही हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और किशोर झुनझुनवा, डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला जी, वो लोग भी 5 अगस्त को पहुंचने वाले हैं। और भी तमाम लोग हैं जो अलग राज्यों से आ रहे हैं, यूपी से, हरियाणा से, जगह जगह से। तो देखते हैं कि कितना RJSians वंडर कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि यार एशियंस कैन डू वंडर्स। यस यस। और न्यूज लेटर भी होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शशांक निकलने वाला है। yes, yes, और आर जे एस पी बी एच तो जैसा अशोक कुमार मलिक जी ने कहा कि एक नया डायमेंशन पॉजिटिव मीडिया का आ रहा है ब्रॉडकास्टिंग हाउस के रूप में, तो वो डेली प्रसारण होगा, वो आपका अपना चैनल होगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप फ़ोन कीजिए, आपको टेक्निकल टीम मुहैया करा दी जाएगी। और संडे वेबिनार जो चल रहा है अमृतकाल का सकारात्मक भारत, वो कंटिन्यू अपनी जगह चलता रहेगा, साथ में डेली ब्रॉडकास्ट पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव डायलॉग होंगे। पूरे देश भर के 500 से लगभग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है, नॉर्थ ईस्ट भारत से और गुजरात वगैरह सबसे मिलाकर 500 की पैनलिस्ट बनाए जाएंगे, एक्सपर्ट बनाए जाएंगे, ट्रेनी भी होंगे, यानी जो भी युवा वर्ग इसमें शामिल होना चाहता है तो उसको हम लोग प्रबोधन कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यशाला करेंगे। तो कुछ कहना चाह रहे हैं? तो जैसा मन्ना जी ने कहा, ये किसी भी व्यक्ति के तरह ही ऑर्गेनाइजेशन के जीवन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, और ये मोड़ आ गया है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े गणमान्य व्यक्ति वहाँ मौजूद थे और बड़ा कैटलाइजिंग इफेक्ट था उन कन्वर्सेशंस का और क्वेश्चन और उनके आंसर्स का। तो ये बहुत ही उसमें एक तरह का फर्मेंटेशन रहा, और जो भी उपस्थित थे वो उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ है। और ना सिर्फ ऊर्जा का संचार हुआ है बल्कि जिस दिशा निर्देश को लेके आगे बढ़ते आए हैं हम सालों से, फाउंडर आरजीएस पॉजिटिव मीडिया एंड फाउंडर आरजीएस पीबीएच उदय मन्ना जी, और उन्हीं के दिशा निर्देश में कितने लोगों ने इसको अपनाया है, इस सकारात्मक उद्देश्य को। प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा कह रहे थे, हाँ अच्छा, वो कोई पॉजिटिव मीडिया उनके, एंड ही पुट इट इन द राइट वर्ड्स। एंड सिमिलरली प्रफुल्ल भाई सेठ आल्सो वाज वेरी सिस्टमैटिक एज यूजुअल इन गिविंग एक्सप्रेशन टू हिज व्यूज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। और 8 साल से सोमेन कोले जी 8 साल से जो है वो परिवार के साथ है, यस 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 यस। सो आई वुड विश दैट सिंस वी आर टर्निंग ए न्यू कॉर्नर इन पीबीएच, आई वुड विश दैट यू शुड रिमेन प्रिपेयर्ड टू कम ऑन द पैनल ऑफ पीबीएच। एंड आई एम ब्रिंगिंग 3 पीपल टू दिस इवेंट ऑन 6th, बट आई मेड इट श्योर that it should not be a crowded affair. So I took my time and settled on 3 intellectuals, I would say. And not only am I bringing them, I am strongly convinced that they would be entitled to be on the panel of PBS. So you also remain prepared and think about it. And because platforms are not easily accessible to people these days, as everyone knows. But हमारे RGS PBH के द्वार खुले हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों के लिए है और एक नई संकल्पनाओं के साथ ये आगे बढ़ते आए हैं। हमारी संकल्पना बहुत बहुत हैं, वो इसमें मैं बहुत विस्तार में इस समय नहीं जाऊँगा, लेकिन हम वो दूरियाँ मिटा देना चाहते हैं, जैसे स्टेज में और ऑडियंस की दूरियां, जैसे यूजुअल डेफिनेशन जर्नलिज्म की, ये सब हटाने की ज़रूरत आ गई है। मॉडर्न ज़माना बहुत इसे वेरी मोमेंट ऑफ पॉजिटिव टर्मोइल आल्सो इफ वी आर एबल टू सी इट, बिकॉज समटाइम्स वी ओनली सी नेगेटिव थिंग्स, बट आर जस्ट PBH is determined to see positive, and there is enough positive energy in the nation, and India will progress like anything, you know. I am saying all humanity should progress. Thank you. Thank you, Ashok Kumar Malik ji. 6 August jo hai, ye reflect karega ki how RJSians can do wonders. Kaise ek Bharat ke log milkar rashtra pratham karte hue Bharat ko ek parivar banakar और विश्व को एक घर बनाकर जो है वो इस मूवमेंट को और
नई पीढ़ी के कंधों पर जिम्मेदारी देने के लिए 6 अगस्त बनेगा, बहुत जरूरी है। 6 अगस्त जो है नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, मीडिया प्रभारी जो है प्रखर वार्षणे है ना, ये इस तरह के लोगों को हम लोग आगे इसके वारिस के रूप में देख रहे हैं कि ये लोग प्रांजल श्रीवास्तव जो पुस्तक वितरण के प्रभारी हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है। हाँ, और हम लोगों के पास सुरजीत सिंह दीदेवार जी, हाँ, जैसे स्पिरिचुअल एंगल है नहीं किया, और एजुकेशनिस्ट जो हैं वो, हाँ, बिल्कुल, अशोक कुमार ठाकुर जी जो कई सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत समय से ये लोग, बहुत सारे लोग हैं। और इसको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से ओंकारेश्वर पांडे जी जो कि पूर्व संपादक रहे हैं और इंडियन ऑब्जर्वर के सीईओ और एडिटर इन चीफ हैं, सारगर्भित अपना सकारात्मक पत्रकारिता को उन्होंने परिभाषित कर दिया, और तो ये इन सब चीजों पर आगे बढ़ने की जरूरत है और ट्रैक तैयार हो गया है, आरजेएस बीपीएच का ट्रैक तैयार है और आप सबों का इंतजार हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ट्रेन आने वाली है, 6 अगस्त को ट्रेन आ जाएगी, मिस नहीं करना है, उसको मिस नहीं करना है। 6 अगस्त को राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आईटीओ, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 मत भूलिएगा। अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो गेट नंबर 2 को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उससे आप इसी साइड में नज़दीक राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन इस बार ज़रूरी किया गया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन आज कल भी मौका है, आप करा लीजिए, क्योंकि लिस्ट जो है शाम को 5 बजे तैयार हो जाएगी, जो 6 तारीख को हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, जो आरजेसियंस रहेंगे वहाँ पे, स्वयं दीपचंद माथुर जी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं वो, तो आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। और बहुत समय के बाद आजकल हम वर्चुअल स्पेस में ज़्यादा रहते हैं, और संभव है कि आगे जो है हमारा तो 99.9% वर्चुअल स्पेस में ही रहेगा। अभी मौका है कि इस दुनिया का आनंद लें, आज सभी लोगों को देख के बड़ा वाइब्रेशंस आए। 4 अगस्त को जो वाइब्रेशंस आया है वो रिफ्लेक्ट होगा आपको वीडियो, और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस पीबीएच यूट्यूब चैनल पे आप खंगालेंगे तो वो पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे थे। और रंजनबेन जी ने तो गुजरात से जो आई थी उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग आए हैं और कोई शादी ब्याह है। तो ये जो हास्य योग है ये डॉक्टर मदन कटारिया जी के सदन से आया, फैमिली का कनोटेशंस भी है, कनोटेशंस है, फैमिली जैसा आरजेएस, फैमिली जैसा वातावरण है। हाँ हाँ, अभी ऐसा उद्गार निकलता है, ऐसा उद्गार निकल रहा है। तो निश्चित रूप से जो आकांक्षा थी कि आरजेएस जो है एक फैमिली है, हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हो रहा है लोगों के दिलों से। जैसे सोमेन कोले जी से कहा, हाँ, गया कि वो पूछा गया कि इतनी दूरी है कोलकाता और दिल्ली में, हाँ, तो लगातार आपने, हाँ, में दूरी नहीं है, उन्होंने कहा कि दिलदा मामला है, दिलदा मामला, तो ये दिलदा मामला है। और रंजन बहन का जो उद्गार थे वो बहुतों के मन में होंगे, लेकिन हर कोई कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो हेजी रहता है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार को बड़ा एंजॉय किया, एंजॉय किया हमने। तो पत्रकार साथियों, सकारात्मक पत्रकारिता में वो जान आने वाली है, ये पार्लियामेंट के अंदर भी गूंजेगी। नहीं, ये समस्त जैसा कि किसी ने कहा मना जी, और हम बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन हम रियलिटी के टच में भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी वी एर ऑन दैट साइड। किसी ने कहा कि ये तो ऑलरेडी ग्लोबल की तरफ चल रहा है, और वो इसकी एक वजह मैं मानता हूँ, जैसा कि हमारे चर्चा हुई है कि आजकल आपके स्टार्टिंग पॉइंट से भी आपकी कही हुई बातें आपकी समाज के लिए, आपकी जो सोच है, आपकी जो फिक्र है, अगर वो है तो वो फिर ग्लोबल स्टेज पे जाने लगती है थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य भी नहीं है, लेकिन आगे जब हम कंक्रीट स्टेप्स लेंगे जिसमें आरजेसियंस हमको योगदान देंगे, तो पीबीएच वाक्य में जिस उद्देश्य को लेके चला है उस उद्देश्य को कंक्रीटाइज भी करेगा।
और यहाँ पर अब सम अप करते हुए यही कहना चाहेंगे कि ऐसे मौके को जो फिजिकल कार्यक्रम हो रहा है जिसमें अन्य राज्यों से आरजेसियंस आए हुए हैं वो दिल्ली एनसीआर वाले के लोगों से मिलना भी चाहते हैं, तो आप लोग जितनी संख्या में आएंगे सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को उतनी गति मिलेगी, उतनी गति मिलेगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका भारत सकारात्मक हो, सकारात्मक चीज़ों पर चर्चा हो, तो आप आइए, आपका स्वागत है। और मेरे ख्याल से हम लोग लगातार वेबिनार तो करते ही रहेंगे, तो जिसमें जुड़े रहेंगे। वेबिनार का अपना रोल है और रहेगा। वेबिनार ही एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें से हम आगे की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित हुए हैं, और हमने अब ये नए चैप्टर की ओर बढ़े हैं, वो ठीक है। और दूसरा, मैं चाहूँगा कि जो आरजेएसएन साथ जुड़े हैं और आगे भी जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, हमको ज़रूरत है कि जो कुछ सार गर्भित कहा गया है उसके ऊपर हमको ये चिंतन सतत करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह उसको ग्राउंड रियलिटी बनाएं। जैसे पांडे जी ने जो कहा, अब ज़रूरी नहीं है कि एक मत हो, सकारात्मकता का ये मतलब नहीं है कि हम एक मत ही हो जाएं हर पॉइंट पर, लेकिन उसके अंदर जो बिजली कांति है बादलों के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसी को लेके हम उसको ग्राउंड रियलिटी की ओर आगे, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी इज़ द थिंग। हमें भाषण की ज़रूरत नहीं है, हमको वो सारगर्भित आइडियाज़ चाहिए, और फिर हमको ऐसा चाहिए कि जो उसको ग्राउंड रियलिटी में परिवर्तित कर सके। मुझे ये याद आ रहा है कि हमारा यंग इंडिया है, हमारे जो कम से कम आधी पॉपुलेशन जो है 25 साल या उससे आसपास है। अब इसमें संक्षेप में मैं बताऊं कि ज़रूरत कैसे है यंग इंडिया की, वो तो सब जानते ही हैं, ऑब्वियस भी है, लेकिन एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। नरेन जब कॉलेज से परमहंस रामकृष्ण के वहाँ गए तो वो बहुत संदिग्ध थे कि क्या है इसमें, कहाँ होगा, क्या होगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उनका एक प्रकार से आध्यात्मिक कायाकल्प हो गया। लेकिन जो हाँ परमहंस नहीं पहुंच पाते थे, संभवतः विवेकानंद की प्रतिभा ने उनको विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। हमारे यंग लोगों से आई एम अपीलिंग टू द यंग इंडिया टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग टूवर्ड्स PBH एंड मेक इट एन अल्टरनेटिव। बहुत ही सारगर्भित सार्थक सकारात्मक संवाद से अब इसका समापन किया जा रहा है कि आप लोग इसको मिस न करें। 6 अगस्त रविवार का दिन है, आप आइए, अपने सगे संबंधियों को दिखाइए सकारात्मक भारत उदय आंदोलन कौन सा आकार लेने वाला है, और न्यूज़लेटर आपके हाथ में भी होगी, अमृतकाल का सकारात्मक भारत आपके हाथ में, और साथ में आप लोग एक दूसरे से जो चर्चा करेंगे जिससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे वो आपको एक यादगार लम्हा होगा, वो किताब के अंदर आ जाएगी। जो जनवरी में किताब आएगी, यहाँ के फोटोग्राफ्स उस किताब में भी शामिल किए जाएंगे। तो अब जय हिंद कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है। बस ये कहने के लिए कि गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन ITO अगर आप आ रहे हैं तो ये मंडी, जो मंडी हाउस और कश्मीरी गेट को कनेक्ट करता है उसको आप लेंगे, और जो फरीदाबाद जाती है कश्मीरी गेट से, यहाँ पर गेट नंबर 2 से जय हिंद जय भारत।